ऑलराइट वेलकम चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। सो जैसे कि आप देख सकते हो, बुलेट देखने में काफ़ी ओल्ड स्कूल लगती है, बट यहां पे आपको सारे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको क्लासिक 350 में मिल जाते हैं। और इंजन की बात करें तो यहाँ पर अभी आपको J1 सीरीज़ का 349 cc सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन देखने को मिलता है विथ डुअल स्पार्क टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख सकते हो, इंजन ऐसे दिखता है। यहाँ पर आपको बुलेट 350 लिखा हुआ मिल जाएगा विथ 3D फिनिशिंग। यहाँ पे गोल्ड स्ट्राइप्स देखने को मिल जाती है और टैंक पे भी इसका टॉप एंड वेरिएंट में आपको बहुत ही प्रीमियम रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे हैंड पेंटेड प्रिंट स्ट्राइप्स भी देखने को मिल जाती है। और अभी बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं विथ ABS फंक्शन। तो बाइक में आपको डुअल चैनल ABS भी अभी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पीछे भी आपको बाइब्री के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं विथ 240mm डिस्क ब्रेक। और यहाँ पे आपको C8 के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट में आप देख सकते हो, हाँ, यहाँ पे आपको मॉडर्न क्लासिक 350 जैसा फ्लैट हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। ये रहे इसके हैलोजन इंडिकेटर्स। तो बाइक दिखने में वही क्लासिक 350 ओल्ड स्कूल जैसी लगती है, बट फीचर्स आपको सारे क्लासिक 350 जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल को जैसे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे सारे ओल्ड स्कूल देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल बाइक ऑन नहीं होगी क्योंकि इसकी बैटरी डिस्कनेक्टेड है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको नेविगेशन स्विच देखने को मिल जाता है, नेविगेशन बटन, यहाँ पे पास बटन, हाई बीम, लो बीम, और इसमें आपको इंडिकेटर्स, ऑन स्विच, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको इग्निशन बटन देखने को मिल जाता है, इग्निशन ऑफ, और यहीं से आप गाड़ी ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट भी देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हो, बाइक कुछ ऐसे लगती है, टॉप एंड विद गोल्ड पिन स्ट्राइप्स, बहुत ही प्रीमियम लग रही है। और यहाँ पे आपको ओल्ड सीट स्टाइल देखने को मिल जाती है, बट बहुत ही मॉडर्न सीट है। यहाँ पे आप टूरिंग सीट्स को भी अपडेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे रियर व्यू कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है। रियर व्यू मिरर्स भी आप देख सकते हो, क्रोम फिनिश रियर व्यू मिरर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस बाइक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है या फिर मेरे चैनल के लिए कोई सजेशंस है तो नीचे कमेंट ऑन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।